नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोगों से मिलके और सारे संगठन के लोगों से मिलके मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है, जिसके लिए सारे लोग बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अच्छा लगा अपनों को भी। बात की जाए, इस समय सीए एनआरसी को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आप अपने नजरिए से इसे कैसा मानते हैं? हम लोग उसका भरपूर जोरदार समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने उसको लाया है, अच्छा है। लोगों ने उकसाने का प्रयास किया है गलत लोगों को, लेकिन हर थाने पे, हर जिले पे बैठा के लोगों को बताया जा रहा है। लगभग लोग समझ चुके हैं ये जो सरकार है, पूर्व की सरकार, इनका कोई वो चलेगा नहीं। जो हमारी सरकार करे, अच्छा काम करे। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आज हम बताने की कोशिश कर, हर जिले पे, हर थाने पे, ये थोड़ा सा देर कर दिए बताने में। लोगों को शायद अगर पहले बताए होते। नहीं, लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था कि इसके बारे में लोग समझ ही नहीं पाएंगे, उसका गलत दुरुपयोग होगा। अगर जाने होते तो जैसे राम मंदिर बनाने में पहले जानकारी दिए, वैसे ही पहले जानकारी दे दिए होते, सारा कुछ अच्छा हो गया। तो क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस के पास अब कुछ बचा ही नहीं है कि कोई मुद्दा लेके वो मार्केट में आए, तो कुछ तो लाएगी ही। प्रियंका गांधी, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, जब नहीं थे तब भी पहनते थे। वो हिंदुओं के पूजनीय हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके पास हम एक ही लाइन में बता दिए कि कोई मुद्दा ही नहीं है कि वो लोग विरोध करें। प्रियंका गांधी ने जो यूपी की पुलिस है उस पर भी आरोप लगाया है कि हमारे साथ बदतमीजी क्यों। आप मीडिया के भाई लोग हैं, आप तो देख ही रहे पेपर में क्या आ रहा है। जिसका भाई, जिसका बहन अगर मर जा रहा है और जा ही नहीं रहा है, तो वो तो साफ है, जाहिर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब सारे लोग जान चुके हैं। एक और सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप भी ब्लॉक प्रमुख हैं, वहाँ पे नए अभी समीकरण बनाए जा रहे हैं, इसके बाद से वहाँ पे बीडीसी का चुनाव वगैरह बंद कराया जा रहा है, इस पे आपका क्या नजरिया है? पहले तो मीडिया भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने पूर्वांचल के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में जानने का आपने प्रयास किया, हमारे महाराज जी के बारे में जानने का प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता से चुनाव होगा तो खरीद फरोख्त खत्म हो जाएगा। जनता से चुनाव, सीधा आदमी चुन के आएगा, बैठेगा, अच्छे तरीके से विकास होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं होगा। पूर्वांचल राज्य बनेगा तो सबसे बेहतरीन राज्य गोरखपुर राज्य होगा। लेकिन सर, जो अभी चुनाव आने वाला है, क्या लगता है कितने टप है, क्योंकि सारी विपक्ष पार्टी एक हो गई है बीजेपी को हराने के लिए, उसका असर भी धीरे धीरे महाराष्ट्र, झारखंड के हम बहुत जल्द आने वाले हैं, फिर आपको बताएंगे। अभी तो काफी टाइम है चुनाव में, अभी तो कुछ ऐसा चुनाव बचा नहीं है जो तत्काल हो। अभी एक साल बचा है चुनाव बंगाल का, अब उसके बीच में तो कोई चुनाव है नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड का कुछ असर यूपी में दिखेगा लगता है? देखिए, महाराष्ट्र के बारे में हम लोग बहुत तो नहीं जानते हैं, तो यहाँ के बारे में अब क्या बताया जाए। यहाँ संगठन के लोग जो अपना कर रहे हैं उनके साथ हम लोग हैं, हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस बार नहीं तो अगली बार हम लोग की सरकार बने। देखिए, हम जो विकास सिंह जी हैं, खजनी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख हैं, और उनके पूरी टीम यहाँ, बंटी बाबा हैं, जीजा जी हैं, पूरा तमाम मतलब जो फ्रेंड ग्रुप है एक, और खास करके युवा, हिंदू युवा वाहिनी से जो योगी जी जो संगठन चलाते हैं, उनके लोग खास करके लोग दौड़े पे निकले हुए हैं महाराष्ट्र के। और हम लोगों ने तो बहुत दिनों से आग्रह था कि एक बार मुंबई आइए हम लोग के यहाँ भी, और उसकी जानकारी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इनको बुलाया है। और बहुत बढ़िया मिलकर अच्छा लगा कि विकास सिंह के जो अभी इन्होंने जो बातें की उसमें बहुत दम है। संजय जी, मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, कुछ ही साल बचा है, तो क्या इसकी तैयारी में आप लगे हैं कि एक के बाद एक किसी सांसद को बुला रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख को बुला रहे हैं? मतलब देखिए, तैयारी तो हम लोग को, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि एक चुनाव जीतने के बाद हम उसका इंजॉय नहीं करते हैं, हम दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में हम एक नंबर की पार्टी होते हुए भी हम सरकार से बाहर हैं, लेकिन तीन दल मिलकर, शिवसेना जो हमारे मित्र पक्ष, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, मिलकर सरकार बनाई। लेकिन हमारा भी एक ही लक्ष्य है, शिवसेना को इस मुंबई के महानगर पालिका से हटाना, और उस संगठन में इस बार हम लोग मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महानगर पालिका में मेयर होगा, ये हम सभी की मानना है और उसमें सभी का योगदान है। वो तो पार्टी की बात होगी, लेकिन यहाँ संजय सिंह की बात चल रही है। देखिए, महानगर पालिका चुनाव में संजय सिंह मनपा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये
तय करना संगठन का काम है, संगठन जो भी हमें जवाबदारी देगा उसको हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे, काम करेंगे, और पार्टी ने जो भी आज तक जवाबदारी हम लोग को दिया है उस पर हम लोगों ने काम किया है। इसके बारे में आगे जो भी निर्णय होगा। आपके यहाँ पे काफी विरोध हो रहा है एनआरसी और सीओ के लिए। नहीं, विरोध क्या होगा, देखिए विरोध करने वाले कौन लोग हैं आप इसको देखिए ना, विरोध करने वाले कौन से लोग हैं। एक केवल पक्ष है जो वो विरोध कर रहा है, और कांग्रेस के पास आज जो जैसा भी विकास सिंह ने बताया कि हमारे पास उनके पास कोई जमीन नहीं है, बची नहीं है, तो विरोध कर रहा है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बाकी सब लोगों ने जाना, पूरे लोकसभा में, राज्यसभा में, पूरा आपने देखा होगा कि दो दिन तक पूरा चर्चा हुआ। चर्चा होने के बाद अभी मुंबई में इतना बड़ा एनआरसी के समर्थन में और CAA के समर्थन में इतना जन सैलाब उतरा था उधर अगस्त क्रांति मैदान में, आप देखे होते तो आपको मालूम पड़ता है, और हर जगह निकल रहा है, दिल्ली में निकल रहा है, गुजरात में निकल रहा है, हर जगह लोगों का धीरे धीरे मालूम पड़ गया है। और खास करके जो मैं जिन मुस्लिम भाइयों के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि जो उनको भड़काया जा रहा है, ये बिल एक ऐसा बिल है कि हम किसी के नागरिकता छीनने वाले नहीं है, हम देने वाले हैं। जो भी पाकिस्तान से, अफगान से, बांग्लादेश से, जो 2014 हमारी सरकार कब आई है, मोदी जी की सरकार कब आई है, 2014 में आई है, लेकिन उसके पहले से जो लोग आए हैं हम उनको नागरिकता देके हम उनको अपने साथ, जिनके ऊपर इतना बड़ा पाकिस्तान में अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उनको हम अपना नागरिकता लेकर अपने भाई बना रहे हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। और मुसलमान भाइयों को भी हम यहाँ से भगाने की थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ का नागरिक है ऑलरेडी वो है, उसमें कोई हटाया नहीं जाता। ये अदानी एक कलाकार है, उनको देखिए कौन दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको नागरिकता दिया है यहाँ हिंदुस्तान का, पाकिस्तान से ही है वो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनको भी मालूम पड़ गया है, इसमें अभी बहुत बड़ा कोई दम नहीं है। बांग्लादेश भी अब भारतीय कानून बनने के बाद बांग्लादेश भी तैयार हुआ है कि जो उसके नागरिक अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको वापस लेने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये बांग्लादेश से सीख पाकिस्तान को लेना चाहिए कि हमारे यहाँ भी जो उनके अवैध जो लोग आके जम्मू कश्मीर के अंदर या जो बॉर्डर पे आज जो आतंकवाद फैला रहे हैं उनको उनको भी रिवर्स लेना चाहिए, क्योंकि ये मोदी सरकार है, ये मुंहतोड़ जवाब देती है। आपने देखा होगा कि जब भी यहाँ पे थोड़ा भी कुछ करने की कोशिश हुआ है उसका भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने हमेशा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। ठीक है, नए साल पे क्या कहना चाहेंगे? नए साल में मैं सभी का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, जैसे 19 गया उसी तरह से आने वाले दिनों में मोदी सरकार अच्छा काम करे, लोगों का, गरीबों का के हित में जो अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है, लोगों का काम करा है, उसे काम करेंगे हम सब मिलकर। लोग बोले कि नए साल में मोदी बाय बाय। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो देखिए ये तो अभी पिक्चर है, आपने झारखंड की बात किया चाहे महाराष्ट्र की बात किया, वहाँ क्या हुआ आपने देखा होगा, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बार आपने देखा होगा कि कई जगह नारा देखा कि मोदी से हमारा बैर नहीं, बाकी किसी का खैर नहीं, तो मोदी से किसी का बैर नहीं है। अब ये राज्य में जो सरकार आती है, सरकारें जाती है, उनका खास करके वहाँ का मुद्दा होता है, और उस मुद्दे के ऊपर जो राज्य सरकार जो निर्णय लेती है और वहाँ का जो चुनाव होता है वहाँ होता है। और झारखंड में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, वहाँ पे वहाँ भी सारा विपक्ष एक था, हमारे साथ हमारी जो संगठन के जो लोग थे जिसके साथ समर्थन में हम चुनाव लड़ते थे, अपने मित्र पक्ष के साथ में, यहाँ हम शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर भी हम वहाँ तक गए, वहाँ हमारे मित्र पक्ष भी अकेले लड़ा, इसलिए हम वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन आने वाले दिनों में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी आएगी, आने वाले दिनों में देखिएगा दिल्ली में भी हमारी सरकार आएगी।